सो वेलकम टू टुडेज केस। ये कैट रेस्क्यू की है एक क्लाइंट ने। इसका वेट अराउंड 3.2 kg है, काफ़ी अग्रेसिव है हैंडलिंग में, इसलिए इसको इस तरह से टॉवल के साथ पकड़ा हुआ हमने। ये मेल कैट है और इसमें ये देखिए इसकी पूरी बॉडी पे इसका से स्कैब से बने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा होल भी हैं जिसमें मैगेट्स वगैरह पड़े हैं। सो ये देखिए ग्लव्स ज़रूरी हैं क्योंकि अग्रेसिव है और अनवैक्सीनेटेड है, सो मेरी टीम ने ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं टू हैंडल इट प्रॉपरली। और इसमें हम नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा डायग्नोस्टिकली इसका स्किन स्क्रैपिंग लेके अंडर माइक्रोस्कोप देखना है कि कौन सी माइट्स हैं और कितनी क्वांटिटी में है माइट्स। स्किन स्क्रैपिंग लेने का तरीका है स्किन पे ब्लेड से या फिर नॉर्मली किसी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा स्क्रैप करके स्लाइड पे मिनरल ऑयल डाल के उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, 4x पे देख सकते हैं फॉर बिग फील्ड और जिसमें काफ़ी छोटी दिखती हैं, बट 10x पे काफ़ी बड़ी इनका साइज दिखता है। तो मोस्टली वैसे तो देखने से ही कंफर्म हो गया था कि हाँ भाई ये स्किन स्केबीज है, बट स्टिल फॉर प्रॉपर एजुकेशन अवेयरनेस के लिए ये बनाने के लिए वीडियोस वगैरह बनाने के लिए ये आपको दिखाने के लिए ये हम करते हैं। और ये स्लाइड प्रिपेयर कर लिया मैंने, अब इसको मैं अंडर माइक्रोस्कोप देखूँगा। ये काफ़ी छोटा सा प्रोसीजर है, ये डेफिनेटली किसी भी स्किन प्रॉब्लम हो, कैट को, डॉग को, किसी को भी हो, तो सबसे पहला स्टेप ये करना चाहिए कि उसके हेयर या फिर उसके जो स्क्रैपिंग है वो अंडर माइक्रोस्कोप देख लो। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पता चलता है कि कौन सी इन्फेक्शन है। ये देखिए जो माइट इसमें है, फ़िलहाल ये तो डेड माइट है, अभी दूसरी भी आपको दिखाएंगे हम। जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है या फिर माइट्स की या फिर डेमोडेक्स दूसरी तरह की माइट्स होती हैं वो भी हम अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं और काफ़ी इंफॉर्मेशन देने वाला ये स्टेप होता है। ये देखिए ये माइट्स है, ये मूव कर रही है, अभी साथ साथ में जो मेरी टीम है ये साथ उसको क्लीन भी कर रही है जो उसके स्कैब है। मेरी एडवाइस यही है अपने क्लाइंट से कि इवन कि मैंने अपने इनको भी बताया था जो लेके आए थे कि एकदम से सारा स्कैब मत उतारिए, धीरे धीरे जब ये हील होगा या फिर जब ये माइट्स वगैरह ख़त्म होने स्टार्ट होंगी तो अपने आप ये स्कैब उतरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम एक साथ सारा स्कैब उतारने की कोशिश करेंगे तो कई बार क्या होता है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उससे कैट या डॉग आपका और स्ट्रेस में जा सकता है। सो बेटर यही रहता है कि आराम आराम से इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी होती है कि जो मेडिसिन वगैरह होती है वो फेस पे, आईज पे, इन सेंसिटिव पार्ट्स पे नहीं जानी चाहिए। और दूसरा है इसके जो नेल बेड्स होते हैं, मोस्टली ये माइट्स नेल बेड्स में रहती है तो आपको जो नेल बेड्स है वो क्लीन करना है रेगुलर वार्म वाटर से। और राइट नाउ अब मैं ग्लव्स पहन के इसके म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह चेक कर रहा हूँ कि कहीं कितनी ज़्यादा निमिक है और कहीं ज़्यादा शॉक में तो नहीं चला सकती है। सो कोई भी केस हैंडल करना है तो आप हमेशा ग्लव्स पहने। ठीक है, ये कहाँ से लाई आपने, रेस्क्यू किया इसको? अभी हमने जैसे आपने देखी इसकी स्किन पूरी ख़राब हुई पड़ी है तो वो मोस्टली क्या होता है माइट्स इन्फेस्टेशन है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो अभी हम इसमें माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। ये अगर आपको दूसरे कोई कैट है तो उसमें फैलता भी है तो उसको थोड़ा सेपरेट रखना है आपने, ठीक है। फिलहाल अभी हमने इसको मेडिसिन दे दी है, अब इसको रिपीट करेंगे हम आफ्टर 1 week। सो ये काफ़ी अच्छी रिकवरी भी करती हैं, एकदम से पहचानने में आपको वो होगी। बट आपने क्या करना है, धीरे धीरे आराम से इसको फीड करते रहना, अच्छी क्वालिटी की फीड देनी है और साफ करते रहना है इसको रेगुलर। इसके पैर वगैरह सारा, जितना भी ये स्कैब वगैरह बना हुआ है ये सारा साफ करना है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्केबीज और ये छोटे छोटे माइट्स होती हैं स्किन में, उसकी वजह से फैलती है। तो अब आपने हफ्ते बाद दिखाना है मेरे को इसको, ठीक है।